हेलो व्यूवर्स, आशा है पहले अपलोड किए गए वीडियोस से आपको मदद मिली होगी। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि प्रथम के द्वारा ऐसा कौन सा ऐप है जो बनाया गया है जिससे कि प्रशिक्षु अपने इंटर्नशिप के दौरान अपना डेटा फीड कर पाएंगे और अपने कार्यों को कैसे वो प्रदर्शित कर पाएंगे। तो इस ऐप को कैसे इंस्टॉल करना है और ऐप में किस तरह की प्रक्रिया हमें अपनानी है, इसको जानने के लिए अंत तक वीडियो ज़रूर देखें। तो सबसे पहले अपने प्ले स्टोर में जाके आपको टाइप करना है प्रथम पार्टनरशिप शिप GOVT और सर्च करना है। आपको सबसे ऊपर ही दिख जाएगा आइकन, उसको आपको क्लिक करना है। मेरे मोबाइल में पहले से इंस्टॉल है इसलिए वो दिखा रहा है। फिर उसके बाद आप इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद सबसे पहले आपको क्रिएट अकाउंट करना पड़ेगा। आपको सबसे पहले अकाउंट बनाना पड़ेगा अपना, तो क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेंगे और जो भी डिटेल फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, आपका जो भी सर नेम हो फर्स्ट नेम या लास्ट नेम में डालना है। और उसके बाद जेंडर है, मोबाइल नंबर है अपना, आप कोई 4 अंक का 4 डिजिट का आप पासवर्ड बनाएंगे और फिर उसके बाद कंफर्म पासवर्ड करेंगे। फिर सेलेक्ट यूज़र पे क्लिक करेंगे, चूज़ यूज़र लिख के आ रहा है, चूज़ यूज़र पर क्लिक करेंगे। उसमें आपको 3 ऑप्शन, 2 ऑप्शन दिख रहे हैं, प्रथम और गवर्नमेंट। आपको गवर्नमेंट पे क्लिक करना है। देन चूज़ स्टेट है, स्टेट पे क्लिक करना है, स्टेट उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश पे आपने क्लिक कर दिया। फिर आपको एक्टिवेशन कोड डालना है, एक्टिवेशन कोड 1783 है उत्तर प्रदेश के लिए, जो इस ऐप को चलाने के लिए है आपका, और आपकी ट्रेनिंग में भी बताया गया होगा। अगेन आपको क्या करना है, सेलेक्ट पर्सनल टाइप में करना है। तो पर्सनल में आप सबसे नीचे, इसको बहुत सारे ऑप्शन आएंगे डाइट के और शिक्षा विभाग के, सबसे नीचे आपको डाइट स्टूडेंट दिखेगा। डाइट स्टूडेंट पे क्लिक करके फिर आपको साइन अप करना है। साइन अप कर लेंगे उसके बाद से आप आगे प्रोसेस में अपना मोबाइल नंबर और अपने पासवर्ड के द्वारा इसको लॉगिन कर पाएंगे। तो ऐप को डाउनलोड करने के बाद और अकाउंट को क्रिएट करने के बाद हमें ऐप के द्वारा ही सारी डिटेल्स, जो भी हम छात्रों की डिटेल्स होगी या उनके परिवार की डिटेल्स होगी, उनके स्कूल की डिटेल्स होगी, उनके असेसमेंट की डिटेल होगी, वो सारा हम इसके ऐप के माध्यम से ही फिट करेंगे। तो आप स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे कि स्कूल ऐड करना है, हाउस होल्ड ऐड करना है, असेसमेंट जो कि शुरुआत में होना है, फिर 15 दिन बाद होना है मिड में, और एंड में होना है आफ्टर 5 वीक्स। तो ये डेटा आपका फिल होगा और कॉल संबंधी सूचना भी भरनी है डेली। चूँकि आप बच्चे को SMS या WhatsApp मैसेज के द्वारा कुछ एक्टिविटी भेजेंगे, प्रत्येक प्रशिक्षु के द्वारा ये किया जाना है, चाहे वो सेकंड सेमेस्टर का हो चाहे फोर्थ सेमेस्टर का हो। तो वो डेटा हम उसके अभिभावक से जब बात करेंगे कि बच्चे ने गतिविधि किस प्रकार से की है, वो डेटा हम कॉल संबंधी सूचना के अंतर्गत भरेंगे और ये प्रतिदिन के कार्य में रहेगा। एक बार आपको स्कूल ऐड करना है, हाउस होल्ड भी आपको एक ही बार ऐड करना है, असेसमेंट का डेटा 3 बार फिल करना है और कॉल संबंधी जो सूचना है वो दैनिक गतिविधि में आएगी, तो उसको आपको डेली ही फिल करना होगा। तो आइए इस वीडियो में हम जानते हैं कि किस प्रकार से स्कूल ऐड करना है और किस प्रकार से हाउस होल्ड को ऐड करना है। मोबाइल नंबर और पासवर्ड डाल के आप उसको लॉगिन करेंगे और लॉगिन करते समय इस प्रकार से आपके सामने अभी ऐप खुल जाएगा। ऐप पर ही सारी सूचनाएं आपको फिल करनी है, ये स्क्रीन आपके सामने खुल के आएगी। तो सबसे पहले हमें माई स्कूल को फीड करना है, ऐड करना है, तो उसी पर क्लिक करेंगे। माई स्कूल पर इस तरह की स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी। सबसे ऊपर डाइट प्रोग्राम सेलेक्ट है, ऑलरेडी सेलेक्ट है, और आपको बहुत सारी चीज़ें इस स्क्रीन को देख के भी समझ में आ जाएंगी। हाउस होल्ड लिखा हुआ है और असेसमेंट लिखा हुआ है, हिडन स्कूल 0 दिखा रहा है। तो नीचे प्लस का निशान है, प्लस के निशान पर क्लिक करेंगे
और ये स्क्रीन खुल के आएगी, इसमें हमें ऐड स्कूल करना है, यानी स्कूल को ऐड कर लेना है। जिस भी विद्यालय में, जहाँ के भी बच्चों के साथ आप इंटर्नशिप के प्रोग्राम में अपने कार्य को करेंगे, उस स्कूल को इस ऐप में ऐड करना होगा। अगर आप सेकंड सेमेस्टर के हैं तो आपको किसी प्राइमरी स्कूल को या सम्मिलित स्कूल को करना होगा, और अगर आप फोर्थ सेमेस्टर के हैं तो आपको जूनियर हाई स्कूल को ऐड करना होगा। तो सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट, तो डिस्ट्रिक्ट एग्जांपल के रूप में हम चुन लेते हैं, मानते उदाहरण के तौर पर मानते हैं कि बहराइच डिस्ट्रिक्ट, तो हम BAH टाइप करेंगे और बहराइच ऑटोमेटिकली आ जाएगा। हमें जो नीचे स्क्रॉल में आएगा उसी को क्लिक कर देना है। देन उसका कोई ब्लॉक हमें सेलेक्ट करना होगा उस जनपद का, तो ब्लॉक हम लेते हैं, जरवल लेना है तो JAR, जैसे ही हमने टाइप किया वैसे ही जरवल आ गया और उस पर हमें क्लिक करके ले लेना है। अब चूज़ क्लस्टर ऑब्लिक वार्ड है, अगर आपको पता है कि किस न्याय पंचायत में वो विद्यालय है तो वो न्याय पंचायत भी आप लिख सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ जरवल देहात, न्याय पंचायत मैंने लिख दी है। और अब अप्लाई पर क्लिक कर देंगे तो जरवल देहात के जितने भी विद्यालय हैं प्राइमरी और अपर प्राइमरी, वो हमारे सामने आ जाएंगे, मदरसा भी आ जाएगा। लेकिन हमें ध्यान रखना है कि विद्यालय हमें केवल परिषदीय विद्यालय लेने हैं जो बेसिक शिक्षा परिषद से संचालित हो रहे हैं, तो हम यहाँ से कोई भी एक प्राथमिक विद्यालय, अभी चूँकि हम एक उदाहरण के तौर पर सीख रहे हैं तो कोई भी एक प्राथमिक विद्यालय ले लेंगे। जैसे कि सबसे पहला प्राथमिक विद्यालय है PS उपधि, उसको क्लिक कर लेंगे और नीचे आपको दिख रहा होगा सो सिलेक्टेड वन, तो सो सिलेक्टेड वन को, यानी हमने एक विद्यालय सेलेक्ट किया है, उस सो सिलेक्टेड वन पर अब क्लिक करेंगे तो नई स्क्रीन खुल के आ गई है। कैंसिल और सेव का ऑप्शन है, हमें ये विद्यालय लेना है, इसको हम सेव कर देंगे। अब ये विद्यालय आपका ऐड हो गया है। विद्यालय ऐड होने के बाद अब हमें इसमें हाउस होल्ड ऐड करना है। आपको दो कलर में दिख रहा होगा, एक डार्क ब्लू है और एक ग्रीन है। ब्लू वाला हाउस होल्ड के लिए है जिसमें ज़ीरो दिखा रहा है, और ग्रीन वाला असेसमेंट के लिए है। तो हम पहले डार्क ब्लू पे, जहाँ पे ज़ीरो है उस पे क्लिक करेंगे, और अब आगे की प्रोसेस में हम हाउस होल्ड की एंट्री करेंगे कि उस विद्यालय के संबंधित बच्चे किस घर से हैं। किस घर का मतलब ये है कि उनके घर की डिटेल हमें यहाँ पर फिल करनी होगी, और कितने घर से वो 10 बच्चे आ रहे हैं। आपके 10 बच्चे 10 घरों से भी हो सकते हैं, या हो सकता है वो बच्चे 7 घर या 8 घर में ही मिल जाएं, अगर किसी एक घर से आपको 2 बच्चे मिल जा रहे हैं तो। तो हमने प्लस के निशान पर फिर से क्लिक करना है और डिटेल भरनी है। जिस दिन आप विद्यालय बच्चे को, बच्चे के हाउस होल्ड को सेलेक्ट करके भर रहे हैं वो डेट डाल देंगे। तो मैं डेट डाल रहा हूँ यहाँ पर 27 अगस्त की डेट डाल रहा हूँ, इसको आप ऊपर भी कर सकते हैं, 26, 25, कोई भी डेट डाल सकते हैं यहाँ पर। तो हम इसको मान लीजिए मैं 26 अगस्त की डेट को यहाँ पर इसमें एंट्री कर रहा हूँ, 26 अगस्त कैलेंडर पर ही क्लिक करेंगे और डेट को एंट्री कर देंगे। उसके बाद किस क्लास के बच्चे को हम ले रहे हैं, किस स्टैंडर्ड के बच्चे को ले रहे हैं, तो हमने प्राइमरी स्कूल लिया है और सेकंड सेमेस्टर के अगर प्रशिक्षु हैं तो वो प्राइमरी का लेंगे, कक्षा 1-2 का, तो कक्षा 1-2 वाले स्टैंडर्ड पे हम टिक कर देते हैं। घर के मुखिया का नाम भी कोई भर देते हैं, मानते हैं घर के मुखिया का नाम है रामलाल। अब रामलाल जी के परिवार से कितने बच्चों को हमने लिया है, यहाँ से हमें एक बच्चे को लिया है, एक बच्चा हमारा है इस घर से। उनका फ़ोन नंबर भी हम कोई भी भर देंगे और 10 डिजिट का होना चाहिए नंबर, ये ध्यान रखेंगे। जब तक 10 डिजिट नहीं होगा, आप देख रहे हैं कि वो नंबर लिख के आ जा रहा है स्क्रीन पर, तो आपको 10 डिजिट का ही कॉन्टेक्ट नंबर होना चाहिए। उसके बाद फ़ोन का प्रकार क्या है, किस तरह का फ़ोन है, आपने पहले पिछली वीडियो में भी जाना है कि स्मार्टफोन भी हो सकता है और साधारण फ़ोन भी हो सकता है, तो हम ये मानते हैं कि यहाँ ये साधारण फ़ोन है इनके पास।
अब फ़ोन किसका है, माता का है, पिता का है, भाई का है, बहन का है, रिश्तेदार का है या पड़ोसी का है? तो यहाँ फ़िलहाल हम जनरली पिता का लगा दे रहे हैं ऑप्शन। आपके पास डेटा रहेगा, जहाँ जिसका भी होगा फ़ोन उस पे आपको टिक करना है। बच्चे को कौन पढ़ाने वाला है, यानी जब आप मैसेज भेजोगे, SMS भेजोगे या WhatsApp के ज़रिए भेजोगे, जैसे कि इनका तो फीचर फ़ोन आपने सेलेक्ट किया है, तो फीचर फ़ोन में SMS भेजेंगे आप, तो साधारण फ़ोन के SMS को कौन बच्चे को समझाएगा, पढ़ाएगा? माता पिता, भाई बहन, रिश्तेदार, पड़ोसी? तो हम ये मानते हैं घर में उसका बड़ा भाई है तो वो उस छात्र को पढ़ाएगा। क्या घर में रेडियो है? हाँ नहीं, अगर रेडियो है तो हाँ, नहीं है तो नहीं। तो हम मानते हैं रेडियो है इनके पास, और इसको फिर हम पूरा डेटा फिल करने के बाद एक एक पॉइंट हम नीचे सेव कर देंगे। डेटा भरते समय हमें ध्यान रखना है कि डेटा सही भरें, अगर डेटा गलत भरेंगे तो वो पैनल पर गलत अपलोड हो जाएगा, फिर आपको अपने संस्थान से और डाइट से, जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट की कोर टीम है, उससे डिस्कस करना पड़ेगा। एक परिवार का डेटा, एक हाउस होल्ड का डेटा भर गया, अब आपको दिख रहा है कि यहाँ पर एक हाउस होल्ड हो गया है। एक दूसरा हाउस होल्ड भी हम भर के देखते हैं एग्ज़ाम्पल के तौर पर। दूसरे हाउस होल्ड के लिए भी हमने डेट सेलेक्ट की, उसके बाद क्लास सेलेक्ट किया, फिर इनका नाम, हम ये मानते हैं कि इनका नाम है रहीम। इनके घर से भी एक बच्चा है और इनका फ़ोन नंबर डाल दिया। इनका फ़ोन है, स्मार्टफोन है इनके पास, और फ़ोन इनके भाई का है, और इनको पढ़ाएंगे इनकी माता, और इनके घर में रेडियो नहीं है, और इसको भी हमने सेव कर दिया। अब इस तरह से आप देख रहे हैं कि दो कॉन्टैक्ट नंबर के अकॉर्डिंगली आपको दो फैमिली दिखाई दे रही है, दो हाउस होल्ड दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अभी ये आपके मोबाइल में सेव हो गया है और डेटा को सिंक भी करना है जिससे कि डेटा पैनल पे पहुंच जाए। आपको लेफ़्ट साइड में एक रेड लाइन दिख रही होगी, तो अब हम डेटा को जब सिंक करेंगे उसके बाद देखेंगे ये रेड लाइन हट जाएगी और ये डेटा हम मानेंगे, तब हमें पता चल जाएगा कि डेटा पोर्टल पर चला गया है। तो बैक जाएंगे इसके लिए। अब आपको जहाँ पर माई स्कूल दिख रहा है, माई स्कूल वन, और इस स्क्रीन को पूरी आप देख के एनालिसिस कर सकते हैं, जहाँ पर PS उपधि और जीरो था वहाँ हमने दो हाउस होल्ड को एंट्री कर दिया है, और यहाँ 2 लिख के आ गया है जीरो की जगह। इसी तरह से आप प्लस विद्यालय पर क्लिक करके, संख्या पर क्लिक करके, और भी हाउस होल्ड, जितने भी हाउस होल्ड में आपके 8 से 10 बच्चे हो जाएंगे, उनको वहाँ पर एंट्री करेंगे। लेकिन एंट्री करने के बाद हमें डेटा को पोर्टल पे अपलोड करना ज़रूरी है, सिंक करना ज़रूरी है। तो माई स्कूल के बगल में आपको दो एरो दिख रही होंगी, उन दोनों एरो पर ही हमें टिक करना है। क्लिक करेंगे हम जैसे ही, वैसे ही सिंकिंग प्लीज़ वेट करके आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, प्रोसेस हो रहा है और सिंक सक्सेसफुली लिख के आ गया है। अब देखिए जो दो एरो दिख रही थी उस पर क्रॉस का निशान हो गया है। अब हम फिर से देख लेते हैं हमारा डेटा वहाँ गया है कि नहीं गया है पोर्टल पे। तो हम जहाँ पर 2 लिखा हुआ है वहाँ पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि जो रेड लाइन थी वो ऑटोमेटिकली हट गई है यहाँ से। इसका मतलब आपका डेटा सिंक हो गया है और ये पोर्टल पे जा चुका है। तो इस तरह से आप हाउस होल्ड फिल करेंगे और उससे पहले विद्यालय सेलेक्ट करेंगे। तो ऐप को डाउनलोड करने के बाद, ऐप जब आप डाउनलोड कर रहे हों तो उस समय भी आपको बहुत सावधानी रखनी है। अपना नाम, जो आपका नाम है आपके संस्थान में, आपके रिकॉर्ड में, वही नाम वहाँ पर फिल करिए। उसके बाद क्रिएट करने के बाद अकाउंट अपना, लॉगिन करने के बाद सबसे पहले आपको स्कूल ऐड करना है, देन हाउस होल्ड ऐड करना है। तो आज के वीडियो में आपने ये जाना है कि कैसे स्कूल को ऐड करना है और किस प्रकार से हम हाउस होल्ड को ऐड करेंगे। इस वीडियो में जो भी डेटा फिल किया गया है वो केवल उदाहरण मात्र है। आप जब भी डेटा को फिल करें तो उस समय आपको थोड़ी सावधानी रखनी पड़ेगी कि डेटा आप बेहतर तरीके से सारी स्पेलिंग को देखते हुए फिल करें। दूसरा,
जो भी डेटा आप फिल करें उसके बाद उसको सिंक ज़रूर करें, क्योंकि जब आप सिंक कर देंगे डेटा को तो डेटा पोर्टल पर पहुंच जाएगा। और अगर आप सिंक नहीं करते हैं और ऐप से लॉग आउट हो जाते हैं तो डेटा मिस भी हो सकता है, और जब मिस हो जाएगा तो आपको फिर से पूरा प्रोसेस करना पड़ेगा। आपने देखा इस वीडियो में कि दो हाउस होल्ड को हमने किस प्रकार से फिल किया है, किस प्रकार से डिटेल फिल की है, और इस तरह से जब आपके संस्थान द्वारा आपको बताया जाएगा कि असेसमेंट स्टार्ट करने के बाद पहले तो आपको असेसमेंट ही करना है बच्चों का, मैसेजेस भेज के, एसएमएसएस भेज के, उसके बाद आपको इसमें डेटा आगे के फिल करने होंगे, असेसमेंट डेटा जो फिल करना होगा, तो वो मोबाइल द्वारा एसएमएस भेज के जब आप असेसमेंट कर लेंगे बच्चे का तब आपको असेसमेंट डेटा फिल करना है, और फिर जब आपका इंटर्नशिप कंटिन्यू स्टार्ट हो जाएगा 5 सप्ताह के लिए तब आपको कॉल संबंधी सूचना भी भरना होगा। असेसमेंट डेटा किस प्रकार से भरना है और कॉल संबंधी सूचना किस प्रकार से भरनी है इसके बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आज के लिए सबसे महत्वपूर्ण ये है कि आप जो भी चीज़ें फिल करें उसको बेहतर तरीके से फिल करें, और ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटी जो बताई जा रही हो, जिस तरह से आपके ट्रेनिंग में बताई जा रही हो, उसको बहुत ही ज़्यादा से ज़्यादा ध्यानपूर्वक समझें, अपने प्रशिक्षण को बेहतर तरीके से प्राप्त करें, और जो भी क्वेरी अगर आपकी कोई है तो उसको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करें। आशा है आपके लिए ये वीडियो मदद करेगा, और आगे भी आपको इससे संबंधित वीडियो चैनल के थ्रू मिलते रहेंगे, तो चैनल से जुड़े रहिए, और अपने डाइट या जिस भी निजी संस्थान से आप प्रशिक्षु हैं उस निजी संस्थान से भी आप बिल्कुल संपर्क में बने रहिए, वहाँ से ही आपको दिशा निर्देश समय समय पर दिए जाते रहेंगे कि आपको किस तरह से अपने कार्य को बेहतर ढंग से करना है। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।